के सारे अंदाजे लगाओ कि इस बॉक्स में क्या है। ऐसा मुझे खुद भी नहीं पता कि इसमें क्या है। जी ये वाला जो पीरा पैकेज है मुझे Olive19 की तरफ से आया है और इन्होंने मुझे भेजा है अपना ये हैंडमेड ब्लू पॉटरी, और साथ में अजरक है, साथ में जी मास्क है, और साथ में ये अभी मैं खोल के देखूंगी कि ये क्या चीज़ है। अच्छा, इसकी खास बात ये है कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि भाई आपके जो फॉलोअर हैं या जो ऑडियंस है उनको क्यों ये खरीदना चाहिए, कि ये माइक्रोवेव है, माइक्रोवेव में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फूड सेफ। उसके बाद अजरक जो है वो ऑर्गेनिक डाई हुई हुई है, और जितना भी वर्क है वो सारा हैंडमेड आर्टिकल्स हैं, हाथ से बनाया हुआ काम है सारा, ये सब चीज़ें हाथ से बनी हुई है, और ये बहुत खूबसूरत है बहुत। ये देखें आपको नज़र भी आ रहा होगा, बहुत ही प्यारा है। एक ये वाला साइज है इसका, और दूसरा जी और साइज, पैकिंग वगैरह इन्होंने इतने अच्छे से पैक करके भेजी है ना, सारी चीज़ें इतनी क्लासिकल लग रही थी, बॉक्स पड़ा हुआ भी। ये देखें दूसरा ये साइज़ है, और कितनी खूबसूरत है दोनों, माशाल्लाह। थैंक यू Olive19, आपने इतना स्पेशल मेरे लिए बॉक्स पैक करके भेजा और इतना स्पेशल मुझे फील करवाया, और स्पेशली अजरक भी डाल के भेजी इसके अंदर। ये मास्क है, पेज को मैं टैग कर रही हूँ, ज़रूर सारों ने विजिट करना है। और जी एक है जी अजरक ये वाली, इसका कलर आप देख लें कितना प्यारा कलर है, ओलिव जैसा ही कलर है इसका, और इतना प्यारा नफीस है इसके ऊपर सारा जो वो है ना आर्टिकल जो भी है वो बहुत खूबसूरत है इसका। और दूसरी जी ये है ब्राउन कलर की, इसका डिज़ाइन है कुछ इस तरीके से, मैंने दोनों दोनों कंधों पर डाली हुई है, ये देखें दोनों बहुत प्यारी है। थैंक यू सो मच Olive19, सब चीज़ बहुत प्यारी है, जज़ाकअल्लाह खैरा। आज हम इतना ख्वार हुए हैं ना, GT रोड पे धरना था और हम चले गए B17 गलती से, सब कुछ बंद था। फिर वहाँ से वापसी पे इतना और रुके हैं हम, 2 या 5 मिनट रुके होंगे बस, छत पे मैंने वीडियो अपलोड की है। फिर वहाँ से वापस आए हैं कि शायद रोड खुल गया होगा, फिर सारा रोड बंद। उफ, फिर हम लोग D17 से गुजर के वो फिर संजानी टोल प्लाजा से मोटरवे पे कोई हम 1 घंटे में जाके इस्लामाबाद पहुँचे, सब कुछ बंद था। पता नहीं किस चीज़ का धरना था, उफ इतना दर्द हो रही है सारे जैसा, मैं तक तो रोट गई हूँ मैं तो। अच्छा मैंने वीडियो डाली थी, किस किस ने देखी है? ओके भाई, जो ये खाना है ये हमें आया है फूड एंड कन्वीनियंस तरफ से, फ्रोजन फूड है और साथ में बना हुआ खाना भी है। ये जी समोसे हैं इसके अंदर, और ये जिनके रोल हैं चिकन समोसा, चिकन रोल, आलू समोसा, आलू रोल, कुछ भी आपको चाहिए हो रमज़ान के लिए। और ये जी बड़े हैं, मैंने एक जो है वो ऑलरेडी बाइट लगा लिया है, अब एक आपके सामने लगाने लगी हूँ, बड़े चटनी है ये, बड़े मज़े की। आहा ये जी इनकी है बीफ बिरयानी, और ये है जी निहारी, अब मैं बीफ बिरयानी चखने लगी हूँ, खुशबू बहुत अच्छी है सब चीज़ों की, बहुत अच्छी बनी है। अभी चटनी चख के देखते हैं, मुझे ग्रीन चटनी वैसे बहुत पसंद है। यारी चटनी इतनी मज़े की है ना। बात भी कर रहा हूँ, ये सैलड है जो साथ में, और ये निहारी है, निहारी मुझे अच्छी नहीं लगती है पर आप शक्ल देख लें इसकी कितनी अच्छी है, माशाल्लाह माशाल्लाह से। और निहारी भी चेक करके देखें ना कैसी बनी हुई है, यार चटनियाँ इतनी मज़े की हैं दोनों, ये इमली वाली भी और ये ग्रीन चटनी बहुत मज़े की, और बड़े भी बहुत मज़े के हैं, चावल भी बहुत मज़े के हैं, ये दोनों चटनियाँ तो बहुत ही मज़े की है। ऑयल निकाल दो ना ज़रा। यार निहारी बहुत अच्छी बनी, सब चीज़ें बहुत अच्छी बनी है, भूख लगी, मैं खाना गर्म करके खाने लगी हूँ। आप जाके पेज विजिट करें, कुछ अच्छी लगती है चीज़ तो ऑर्डर ज़रूर करना, सब चीज़ें बहुत टेस्टी हैं बहुत ज़्यादा।
अलैकुम, मेरा नाम विशा अबूबकर है और मेरे वालिद एक सरकारी मुलाजिम थे। मेरी 2 साल की एक बच्ची है और मैं नवाब अकबर खान बुगटी के सबसे छोटे बेटे शाहजवाल बुगटी की